बहुत बड़े नाम आगे बनते होने वाले हैं। मैं मिथिलेश जी से सवाल करना चाहता हूँ सर, आपने ट्रेलर देखा होगा, वैसे तो आप राजनीति की दुनिया से आते हैं, फिल्मी दुनिया में आ जाते हैं, यहाँ पे ट्रेलर देखा सर, पहले ट्रेलर देखे और मैंने ट्रेलर देखा तो मैं 100% कह सकता हूँ ये बड़े सुपरस्टार का। ये सर बोलना है नहीं ठीक है और मुझे मालूम है कि इस फिल्म का जो थीम है वो सामाजिक कुरीतियों से लड़ने वाला थीम पर आधारित है, बिहार में शराबबंदी हुई है और उस पर आधारित है। तो जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैं अपने गुरु को नहीं पाया और मैं इस फिल्म के डायरेक्टर के प्रोड्यूसर एक्टर एक्ट्रेस या जो भी कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं मैं सबको शुभकामना देने के लिए मुंबई आया और जब यह फिल्म रिलीज होगी तो बिहार वासियों से उत्तर प्रदेश के लोगों से और 34 करोड़ भोजपुरी वासियों मैं अपील करूंगा इस फिल्म को जरूर देखें जी। और चूँकि इस फिल्म से एक सामाजिक मैसेज जा रहा है और निश्चित रूप से यह फिल्म एक बड़ी हिट होने वाली फिल्म है, मैं एक बार फिर से रजनीकांत जी को बहुत बधाई दूंगा। आज के डेट में सिनेमा में एंट्री लेना सिनेमा बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है जी। और अगर यह रिस्क इन्होंने लिया है तो मैं कह सकता हूँ ये सचमुच बेमिसाल है। सर ऐसा है जब आपने कहा कि सामाजिक मुद्दे बहुत सारे हैं, सोशल मैसेजेस बहुत सारे हैं, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बेटी पढ़ाओ की बात हो, तो क्यों नहीं कि भाई जब फिल्म रिलीज हुई टैक्सी कर दिया रिलीज होगी तो बिहार सरकार का पूरा समर्थन। थैंक यू सर। रानी जी ट्रेलर देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा जब शूट कर रही थी आप रजनीकांत जी के साथ, सब हम भी सेट पे थे, वो रजनीकांत और जो जिस रजनीकांत को आपने ट्रेलर में देखा ये दोनों अलग है, एक ही है, डिफरेंट है, कुछ क्या लगा आपको? जिस रजनीकांत के साथ आप शूट कर रही थी, जो रजनीकांत सुंदरा सेट पे थे, वो रजनीकांत और जो ट्रेलर में रजनीकांत दिखे जिसमें कुछ ऑब्वियसली बहुत अच्छे लग रहे हैं रजनीकांत, अब मैं जानती थी कि बहुत स्मार्ट लगेंगे फिल्म में। हाँ क्योंकि सेट पे भी मतलब जब न्यू कमर जो होते हैं खासकर जो मेरे अपोजिट जो आते हैं बहुत ज्यादा कभी कभी नर्वस रहते हैं, रजनीकांत बिल्कुल नर्वस नहीं थे, सबसे अच्छी बात थी, तभी मैं समझती थी कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे इस फिल्म में और बहुत अच्छे भी लगेंगे जो कि लग रहे हैं। रजनीकांत जी सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां, आपको ट्रेलर लॉन्च हुआ है, आपने भी ट्रेलर देखा होगा अभी कि आपकी इससे पहले आपने देखा था या आज हम लोगों के साथ ही आपने देखा? आज फुल फ्लेजर पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मी आप जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सबको। यहाँ पर बैठे हमारे बड़े भैया बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है चुनाव के टाइम में जो आए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ दिल से। सुनील पाल जी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आए। आदित्य मोहन जी रानी जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली बार मैंने देखा ट्रेलर, आज बहुत खुश हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ। जैसा कि मिथिलेश भैया ने बताया कि आज के डेट में आज के दौर में फिल्म बनाना इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, बट ये हमारे हमारे परिवार का हमारे माता पिता का हमारे भाइयों का सपना था कि हम इस फिल्म को बनाएं। एक बहुत अच्छी टीम मिली, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमने ये फिल्म बना के आज जब पहली बार ट्रेलर को देखा और सभी जब हमारे अपने करीबी हैं तो एक इमोशन है और बहुत खुश हूं। फिल्म की रिलीज के बारे में बताइए रजनीकांत जी, फिल्म कब तक आएगी थिएटर्स में? आपने ट्रेलर तो आज रिलीज कर दिया जी, फिल्म बनके कंप्लीट हो गई है पूरे तरीके से और फिल्म का सेंसर भी आ चुका है, यूएस सर्टिफिकेट मिला है हम लोगों को। फिल्म हम रिलीज करेंगे मई के एंड में या जून के फर्स्ट।
वो आपको देखना है। सुनील जी, ये हमें देखा था पानी की बाजार नीति के बारे में, आपने बड़े गौर से देख रहे थे। हमारा नाम है रतन मोरा और रानी चटर्जी का फैन हूँ पूरा के पूरा। हम इनके फैन तो हो गए, मैं नहीं हो पाए, इस बात का दुख है, क्योंकि रानी चटर्जी में नशा है। और नशा क्यों ना हो, रानी चटर्जी का शॉर्ट फॉर्म होता है आरसी, और आरसी आज तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे मीडिया के सामने कि तुम हमारी बोतल हो, हम तुम्हारे ढक्कन है। रानी चटर्जी का कौन फैन है? मुझे लगता है कि भोजपुरी समाज, तमाम जितने जो प्यार करने वाले पुरुष हैं सबकी ये रानी है। सब अपने आप को सपने में इनको रानी समझते हैं और इनको प्यार करते हैं, ये प्यार इनका बना रहे। और रानी चटर्जी जिंदाबाद, इनके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। रानी एक ही होती है वैसे भी। आदित्य जी, आप बताइए जरा, क्या बेसिकली कैसा कैरेक्टर है बेमिसाल खिलाड़ी में? हालांकि फिल्म नहीं है, और इस फिल्म में मैंने एक अतिथि कलाकार के रूप में काम किया। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट का फिल्म है, जब मुझे सब्जेक्ट सुनाई जा रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक पावरफुल कैरेक्टर था करने के लिए, तो मैंने इस फिल्म को किया। और जैसा कि भैया ने बताया कि एज एन एक्टर मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, अभी जो फिल्में कर रहा हूँ मैं बैक टू बैक, तो भोजपुरी में या किसी भी लैंग्वेज में ज़्यादातर फिल्मों में तो जो एक्ट्रेस लॉन्च हो रहे हैं तैयार, उनका या तो फिल्मी बैकग्राउंड है या फिर सिंगर्स, अदरवाइज कोई पैसे वाले। तो इस दौर में अगर मैं रोलिंग कर रहा हूँ तो दैट्स गुड, आई एम डूइंग बैक टू बैक फिल्म्स कर रहा हूँ, उसमें से बेमिसाल खिलाड़ी है। जब मैं आगरा में शूट कर रहा था नवंबर में, इसके साथ ही कंटिन्यू एक और फिल्म की शूट कर रहा था लखनऊ में, सो मुझे अप एंड डाउन भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा था। और बिहार की माटी के बारे में भैया ने बोला, तो सबसे खास बात इस फिल्म में ये है कि भाई साहब रजनीकांत जी भी बिहार की माटी से हैं, चंपारण से, गोपालगंज से, और मैं भी बिहार की माटी चंपारण से ही हूँ, बेतिया से, तो काफ़ी हम लोग अगल बगल के ही हैं। और फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छा मुद्दा है, बिहार में दारू बंद है और दारू बंद का ही ये सब्जेक्ट भी है, और काफ़ी सारी ट्विस्ट है फिल्म में, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा हमारे ऑडियंस को। सो एंजॉय कीजिए इस फिल्म को और इनके प्लेसेज आप एंजॉय। उत्तर प्रदेश और झारखंड में भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी मिल चुकी है, अभी तक बिहार में नहीं मिला, क्या कारण रहा है? आपकी गवर्नमेंट है सर, आप मांगिए सब्सिडी और सरकार से बात करके हम उसे दिलवाएंगे। आपको सब्सिडी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बाजू में आपके मोदी बैठे हैं। सब्सिडी चाहिए, बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार के लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, शराब बंद होने के बावजूद भी रानी चटर्जी की आंखों में देखे कहते हैं, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। कोई कितना ही दारू बंदी कर दे, बिहार के लोग बंदी को दारू कर देंगे। आज भैया भी है बिहार के बीजेपी से और मीडिया भी है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब यूपी में सब्सिडी है, रानी जी आप काफी सीनियर है, यूपी के अगर कोई एक्टर होता है तो उसमें काफी ज्यादा सब्सिडी में हेल्प भी मिलता है, 5 लाख 10 लाख जो भी हो। अब भोजपुरी फिल्में यूपी में ज्यादा शूट हो रही है, तो हम बिहार के एक्टर्स कहाँ जाए? अगर बिहार सरकार सब्सिडी नहीं देगी भोजपुरी और यूपी सरकार देगी, तो हम बिहार के सरकार को, हम बिहार के एक्टर्स को कहाँ जाए? ये भी हम बीजेपी से सर है, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, मीडिया सब लोग देंगे, उसके पहले मैं एज ए प्रोड्यूसर इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। प्रोड्यूसर मैं इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, मैं अपना इंटरव्यू तो बाद में दूंगा। तो इस चीज की पहले ही डिस्कशन हमारे विधायक जी से, माननीय विधायक जी से हो चुकी है, और जो हमारे माननीय विधायक जी इनके विषय में थोड़ा सा आप लोग बताना चाहूंगा कि इन्होंने ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन संघ का जो है निर्माण करवाया और उससे फाइट करके एक संस्था बनने के लिए मतलब मंजूरी दिलवाई। दूसरी चीज है कि ये आज प्रदेश लेवल के नेता है और आगे हम इनके फ्यूचर के देर से शुभकामनाएं देते हैं। इस क्वेश्चन का इनसे रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है, एज ए प्रोड्यूसर मैं एक अपने लेटर हेड पे उसका जो भी है सब्जेक्ट लिख करके मैं इनको दूंगा, आईएएस को ले जाकर के विधानसभा में उसको पेश करेंगे और ये बिल्कुल दावा करते हैं और मांग भी करते हैं इस चीज की मंजूरी दिलाएंगे। अब आगे मैं मनोज रुदेश भैया से बोलूंगा कि आप उसे शब्दों पे बोले। देखिए, बिहार में वो सब चीज मिलेगा जिसके लिए बिहार से जुड़े लोग, चाहे मुंबई रहते हैं हो, दिल्ली रहते हैं हो, ठीक ढंग से और प्रॉपर चैनल से का डिमांड करेंगे
तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा और सब्सिडी बिहार सरकार देना भी चाहे सर, लेकिन डिमांड करे तो कहाँ करे सर। मैं चाहूंगा ये सारे प्रोड्यूसर्स को मिले, नॉट इंडिविजुअली बेमिसाल खिलाड़ी, मिसाल खिलाड़ी के कौन बात कर रहा, सबको इसके साथ विधायक जी ने खुद ही विधायक जी ने अनाउंसमेंट किया, मांग किया माननीय नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री से, इस मूवी को बिहार में टैक्स फ्री किया जाए। विधायक जी की खुद की मांग है, इसके लिए विधायक जी ने काफी इस चीज में इनिशिएटिव लिया है। हम आशा करते हैं कि विधायक जी इसमें सफलता पाएंगे, आप लोगों के भी सपोर्ट की जरूरत है इसमें। इसका मतलब बिल के मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मैं रजनीकांत जी से जानना चाहता हूँ। देखिए मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ जी, 2005 के पहले बिहार का पूरा बजट 23,000 करोड़ रुपए और लगभग 4,500 करोड़ रुपया था शराब। उसके बावजूद हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, जिस बिहार में बालू छोड़ करके कुछ भी नहीं, और अगर उन्होंने शराब बंदी किया तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने 2,00,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तो बिहार के बारे में जो पहले सोच था उसको बदलना चाहिए। और आज चाहे मुंबई में ये तो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे जिस भी इंडस्ट्री से जुड़े लोग और वो राज्य सरकार से जो सहयोग चाहते हैं, राज्य सरकार तैयार बैठी है, आप प्रॉपर चैनल से अपनी बात राज्य सरकार के सामने लाइए। मैं सरकार के एक विधायक होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सरकार आपके साथ है। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। फिर एक बार जोरदार तालियां इस फिल्म के लिए।